सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री महाकाल मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन शिव पूजन में 8 कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो हमारे धर्म ग्रंथों में इन 8 कार्यों को विशेष करके निषेध बताया गया है। तो सोमवार यानी 4 मार्च 2019 को शिव जी की पूजा का महापर्व शिवरात्रि का पावन पर्व है। इस दिन देवों के देव महादेव की प्रसन्नता के लिए विशेष पूजा अर्चना उनकी की जाती है। शिव जी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में भी सफलता मिलती है। तो इसी के अनुसार शिवरात्रि पर पूजा करने वाले लोगों को कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिव पुराण में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो शिव जी की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करना चाहिए। तो जानिए वे कार्य कौन कौन से हैं जिनका निषेध शिव पुराण में बताया गया है। तो सबसे पहली बात इसमें आती है, घर में किसी प्रकार का क्लेश इस दिन नहीं करें। पति पत्नी या परिवार में वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है। यह वैसे आम बात है, लेकिन जब बातें बढ़ जाती है तो घर का वातावरण अशांत हो जाता है। शिवरात्रि पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में किसी प्रकार का क्लेश ना हो, किसी पर क्रोध नहीं करें। जिन घरों में क्लेश होता है, अशांति रहती है, वहां देवी देवता का वास नहीं होता है। घर में प्रेम और शांति इस दिन विशेष करके बनाए रखें। दूसरी बात उसमें आती है, किसी का अपमान इस दिन नहीं करें। कभी भी किसी बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई, बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी व्यक्ति का अपमान इस दिन भूल करके भी नहीं करें। तीसरी बात इसमें आती है, शिवलिंग पर तुलसी पत्र भूल करके नहीं चढ़ाएं। तुलसी पत्र जो है बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। भगवान विष्णु की पूजा इसके बिना अधूरी होती है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार शिव पूजा में तुलसी पत्र वर्जित बताया गया है। शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने से पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। शिव जी के ऊपर केवल बिलपत्र ही चढ़ाया जा सकता है। चौथी बात आती है, बुरे विचारों से इस दिन बचना चाहिए। तो शिवजी के भक्तों को बुरे विचारों से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की किसी प्रकार की योजना बनाना, अधार्मिक कार्य करने के लिए विचार करना, स्त्रियों के लिए गलत विचार रखना, ऐसे विचारों से शिव पूजा में मन एकाग्र नहीं होता है और पूजन का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। पांचवी बात इसमें है, शिवलिंग पर हल्दी भूल करके नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी जलाधारी पर चढ़ा सकते हैं। हल्दी स्त्रियों से संबंधित सामग्री है। शिवलिंग जो है पुरुष तत्व से संबंधित है और यह शिवजी का प्रतीक है। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और यह माता पार्वती का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार से विशेष करके हमेशा बचना चाहिए, इससे जीव की हत्या होती है। जीव हत्या पाप माना गया है, तो मांसाहार को छोड़कर इस दिन इस पाप से, इस महापाप से बचना चाहिए। और सातवीं बात आती है, क्रोध किसी पर नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए खुद को इस दिन शांत रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। क्रोध से मन अशांत हो जाता है, ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती है, इसलिए इस दिन क्रोध बिल्कुल नहीं करें। आठवीं बात है, पूजा में कौन सी धातु का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो शिव जी की पूजा में सोने, चांदी, पीतल, कांसे, तांबे या अष्ट धातु के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, इन्हें श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन ध्यान रहे कि लोहे, स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन उपयोग में नहीं लाएं। यह जो धातुएं हैं शिव की पूजा में वर्जित बताई गई है। तो इन 8 बातों का विशेष आप ध्यान रखते हैं तो भगवान शिव की पूजा पूर्ण मानी जाती है और भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल मित्रों, फिर मिलेंगे।